वेलकम टू माय चैनल टेक इट इजी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है उनको मैथ्स में फोबिया होता है, उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं मैथ में फोबिया। फोबिया लाइक फीलिंग टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। तो ये डर क्या होता है बच्चों में इतना ज़्यादा घर करके होता है कुछ बच्चों में कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर करते हैं पर मैथ्स का पेपर आते आते मत पूछो क्या हाल होता है उनका। इनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स भी नर्वस होने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, बट मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को हम बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हैं, बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमारे लिए मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती हैं? सपोज अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की लेंथ के बारे में, अगर एक छोटी चीज़ है तो उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किलोमीटर में। हाँ, सपोज़ कानपुर से प्यारा की डिस्टेंस कितनी है या इलाहाबाद से आगरा की डिस्टेंस कितनी है तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। इनको बोलते हैं हम यूनिट्स, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट और मास। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, हम लिक्विड को किस में मेजर करते हैं? लिक्विड्स को हम हमेशा लीटर में, लीटर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है और ग्रेटेस्ट यूनिट भी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट में मिली लीटर, सेंटीमीटर। तो किस तरह से हम एक दूसरे में इसको रिलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको समझाएंगे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है एग्जाम्स के पहले रखते हुए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टिफिकेशन हमको बंद करके सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ लोगे और वो क्लियर होगा तो मैथ्स में जो कन्वर्जन होता है यूनिट्स का सारी प्रॉब्लम्स, चाहे आप छोटे क्लासेस में हो या हायर क्लासेस में जाओ, आपको सेम यूनिट में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो भी मेजरमेंट यूनिट है आपको सारे, अगर कुछ चीज़ें किलोमीटर में दी है कुछ मीटर में, तो आपको सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है फिर आप सॉल्यूशन निकालते हो। तो उसके लिए भी आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स में निकलता है, लेंथ को अगर हमको मेजर करनी है तो उसमें स्टैंडर्ड यूनिट उसकी मेजर मीटर होती है। अगर हम वेट की बात करें, वेट या मास, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, बट उसकी स्मॉलेस्ट जो नंबर्स होते हैं उनमें हम उसको ग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम में भी यूज़ करते हैं। लिक्विड्स के केसेस में स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर, बाकी जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है उसके हिसाब से उसकी यूनिट्स को हम रिलेट करते जाते हैं। उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? एक्चुअली क्या होता है, हर एक स्टेप में टर्म का मल्टीप्लाई होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, मतलब मैट्रिक सिस्टम है, प्रीफिक्स मॉडिफायर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? किलोमीटर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं सफिक्स। जो बाद वाला वर्ड होता है मीटर, यहाँ पे वेट के केस में वो ग्राम हो गया, लिक्विड के केस में वो लीटर हो गया। सबका सफिक्स तो चेंज होता है और प्रीफिक्स सबका सेम होता है। तो प्रीफिक्स याद कर सकते हो, अगर आपने एक टेबल में याद कर ली तो बस तीनों में काम आएगी। तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स क्या है, जो पहले यूज़ हुआ, प्री मतलब प्रीवियस, जो पहले यूज़ हुआ वो प्रीफिक्स। अब यहाँ पे जैसे जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा बॉटम से लिखना शुरू करिए तो कभी भी नहीं भूलेंगे। बॉटम से मतलब जो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेटा, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेटा, हेक्टो, किलो, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और टॉप पे जाएंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट हमको मिलती है। इसी तरह से हमने वेट के बारे में बात की तो मिलीग्राम, इसमें भी मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेटा, हेक्टो, किलो, प्रीफिक्स सिमिलर है बट सफिक्स जो भी यूनिट जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज हो रही है। लिक्विड के केस में भी यही है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेटा, हेक्टो है, किलो। अब हमने पढ़ा हर एक स्टेप में मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं, मीन्स हर एक स्टेप अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 10 बढ़ता जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम देखें तो 10 का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो 10 × 10 दैट इज 100, हम इसको लिख सकते हैं 100। सिमिलरली थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 0s आ जाएंगे, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, सिमिलरली यहाँ पे 4 0, तो हर एक स्टेप में एक एक जीरो पड़ता जाएगा। इसको रखने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ आपको समझना है। इसके लिए आप सिंपल भी क्या फॉलो कर सकते हो, कन्वर्जन
बॉटम से टॉप तक आप चाहो, सबसे पहले यूनिट से ऐड कर दिए मिली सेंटी डेसी ग्राम डेटा हेक्टर किलो। अब कन्वर्ट करना है, जब भी आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराओगे, सपोज आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हो, आपने ऊपर से कोई ट्वाय या कोई ग्लास आर्टिकल फेंक दिया तो क्या होगा, वो टूट के सिंगल पीस से मल्टीपल पीसेस में हो जाएगा। सपोज आप ही घूम गए, सॉरी ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल पीसेस में हो जाएगा। मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे, ऊपर वाली यूनिट को नीचे किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम को डेटा ग्राम में, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब किसका मल्टीप्लाई करना है हमको ये देखना है, अगर हर एक स्टेप में 10-10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10, मीन्स 10 × 10 100, तो हमको 100 का। अगर किलोग्राम को कन्वर्ट करना है डेटा ग्राम में, तो हमको क्या करना है, इससे किलोग्राम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली अगर हमको ये करना है मिलीग्राम को बेसिक ग्राम में कन्वर्ट करना है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने बताया ना एक चीज़ बहुत सारे पीसेस में टूट रही है तो हम मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गए। बट अगर हम उसका इन्वर्स करें, बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न। डिवीज़न में भी वही रूल फॉलो होगा कि हर एक स्टेप में आप 10 और उसके मल्टीपल्स लेते जाएंगे, जितने स्टेप्स होंगे उतनी बार हम 10 के मल्टीपल्स ले लेंगे। सपोज हमने बोला मिलीग्राम को डेसी ग्राम में बदलो, 50 मिलीग्राम कन्वर्ट इंटू डेसी ग्राम। अब हमने देखा, स्टार्ट करो, हमने मिलीग्राम से डेसी ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा मिलीग्राम के बाद सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बाद आता है डेसी ग्राम, तो यहाँ पे दो स्टेप्स है, मीन्स 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10 दैट इज 100, सो मल्टीप्लाई 50 बाई 100। अब ये क्योंकि यहाँ से बॉटम टू टॉप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो डिवाइड होगा, अगर हम 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बता सकते, 2। 50 / 100 आंसर क्या आएगा, 0.5। मीन्स 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसी ग्राम, 0.5 डेसी ग्राम। तो अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आप एक टेबल याद करोगे और आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, 5000 किलोग्राम, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। हमने देखा किलोग्राम कहाँ है, ये किलोग्राम से हमको आना है ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हमारा कार्ड टूट के मल्टीपल पीसेस में, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर फाइंड करना है। हमने देखा यहाँ किलोग्राम और रिलेशन किसने निकाला है, ग्राम में, तो किलोग्राम के बाद 1 स्टेप 2 स्टेप है 3 स्टेप, ग्राम्स तक आते आते हमको 3 स्टेप लेने हैं, मीन्स 10 × 10 × 10 मीन्स 1000। तो अगर हम 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 × 240 cm, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखेंगे, अब एक और एग्जांपल है, जैसे हमने लिया 6 × 240 cm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हमको ये तो ऑलरेडी मीटर में है तो 6 को तो हमको चेंज करना नहीं है, और 240 cm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें मीन्स बॉटम टू टॉप, सो डिवाइड बट डिवाइडेड बाय 100, टू स्टेप्स मीन्स 10 × 10 दैट इज 100, तो हमें 240 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा 2.40। कैसे आता है, जब भी अगर हमारा डिविजन जो है उसमें 1 और नंबर ऑफ जीरोस हैं, 2 0 है, तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, सिंपल डिविजन मैथ में आपने पढ़ा होगा, तो 2.40 ये मीटर्स में आंसर आ गया। नाउ एट दिस एट दिस, सो वी गेट आंसर 6 + 2.40 मीन्स 8.40 मीटर, सो फाइनली वी गेट
तरह से आप एक ईजी वे में कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट यूनिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। ऐसे कोई